सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम सिक्स स्टैंडर्ड का जो सेकेंड चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वो आज ख़त्म कर देंगे। सो आई होप प्रीवियस वीडियोज़ आपको समझ में आया रहेगा, बहुत ईजी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पेज के स्टार्टिंग पे एक जनरल नॉलेज के लिए एक फैक्ट दिया है कि द लाइफ स्पैन ऑफ अ जाइंट टर्टल, यहाँ पे एक डीडीओनो करके जनरल नॉलेज के लिए जस्ट क्या बोला है कि द लाइफ स्पैन ऑफ अ जाइंट टर्टल फाउंड ऑन द गैलापागोस आइलैंड इन साउथ अमेरिका इज अबाउट 170 ईयर्स। ऑन द अदर हैंड द लाइफ स्पैन ऑफ द मे फ्लाई रेंजेस फ्रॉम 1 आवर टू 24 आवर्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे, दो एनिमल्स के बारे में बोला है। ये जो जाइंट टर्टल है, जो एक गैलापागोस आइलैंड जो साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग साउथ अमेरिका बोलते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड ऑल वो सब कंट्रीज आते हैं। तो वहाँ पे एक आइलैंड में एक टर्टल पाया जाता है जिसका नाम जाइंट टर्टल है। अब उसका जो लाइफ स्पैन है, मतलब वो कितना साल तक जिंदा रह सकता है, वो 170 इयर्स है, मतलब 170 साल, ठीक है। ह्यूमंस मैक्सिमम 100 इयर्स रह सकते हैं अगर उसका डाइट एंड जो अंदर का जो न्यूट्रिशन है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, अगर साथ दे पाया, बॉडी साथ दे पाया, तो मैक्सिमम 100 इयर्स ये जाइंट टर्टल 170 इयर्स जिंदा रह सकता है। लेकिन उसके अलावा दूसरे हाथ पे दुगौंदी होता है हैंड, उन्होंने क्या बोला है, और एक इंसेक्ट है जिसका नाम मे फ्लाई है, ठीक है। ये जो इंसेक्ट है यहाँ पे फोटो में, उसका नाम क्या है, मे फ्लाई। उसका लाइफ स्पैन क्या है पता है, 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक, मतलब मैक्सिमम वो सिर्फ 1 दिन जिंदा रह सकता है और मिनिमम 1 घंटा, ठीक है। ये एक जनरल नॉलेज के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। अभी ये सबको पता रहेगा, जो जितने भी लिविंग बींस है, ठीक है, लिविंग बींस मतलब सबके बारे में मैं बोल रहा हूँ, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींस हो, इंसान जानवर हो या प्लांट्स हो, जितने भी लिविंग बींस है, सब चीज़ एक चीज़ से बना है, एकदम छोटी चीज़, एकदम माइन्यूट चीज़, बहुत फाइन, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल आइस से नहीं देख सकते, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है देखने के लिए। अब वो चीज़ क्या है, सेल। सबको पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स है उसका जो बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो किससे बना है, सेल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि नॉर्मल एक बोलने बोला है कि एक वॉल है यहाँ पे, दीवार, और एक हनीकॉम्ब, ठीक है। हनीकॉम्ब मतलब जो हनी भी है ना, उसका घर जहाँ पे वो लोग रहते हैं। अब क्या बोला वो लोग ने, यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ हनीकॉम्ब, जो छोटे छोटे हेक्सागन शेप के जो आपके दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्मॉल कंपार्टमेंट्स है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब, ठीक है। जो स्मॉल हेक्सागन शेप के जो कंपार्टमेंट्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब। दिस कंपार्टमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ, पूरा हनीकॉम्ब बन जाता है ये, ठीक है। सब एक 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 करके सब जॉइंट कर देंगे ये लोग, हनी भी लोग, और क्या बन जाएगा, उनका घर बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, अ वॉल हैज ब्रिक्स, सबको पता है जो एक दीवार है ये पूरा चीज नहीं है, कौन सा भी दीवार, कौन सा भी वॉल, कौन सा भी बिल्डिंग अगर आप देख लोगे, उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, मतलब ईट, ये जो है रेक्टेंगल शेप के रेड कलर के, वो ब्रिक्स से बनता है। किससे बनता है, इंग्लिश में उसको ब्रिक्स बोलते हैं, हिंदी में लाल कलर का जो पत्थर है उसको हम लोग ईट बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो वॉल है, ठीक है, कौन सा भी वॉल, मोस्टली मैक्सिमम जो भी वॉल्स है या जो भी मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स है, वो किससे बनता है, ब्रिक्स से, ठीक है। अब ये ब्रिक बनाने के लिए एक नहीं, सॉरी, एक वॉल बनाने के लिए, कौन सा भी एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, एक पत्थर थोड़ी ना लगता है, एक ब्रिक नहीं लगता है, बहुत सारे एक साथ आके उसको जॉइंट करते हैं और फिर जाके एक दीवार बनता है। तो यहाँ पे वही बोला है कि टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, एक वॉल बनाने के लिए वी फर्मली जॉइन द ब्रिक्स टुगेदर। अभी जॉइन कौन करता है, सीमेंट, ये भी सबको पता है, सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्डिंग्स और ये सब बनाने के लिए। तो सिमिलरली अब जो टॉपिक है सेल्युलर स्ट्रक्चर, मतलब जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, ठीक है, जो भी हम लोग का जो बॉडी है उसके अंदर जो चीज़ से बना है, दैट इज सेल। तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ये टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब क्या बोला है, अ सेल्युलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज सेल्स, सबको पता है जो भी लिविंग थिंग्स है ये दुनिया में, सब चीज़, जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, किससे बना है, एक छोटी सी चीज़ है जिसको क्या बोलते हैं, सेल्स, ठीक है। बहुत सारे सेल्स रहते हैं और बहुत छोटा रहता है, ये जो पेन का जो डॉट मैंने बनाया है ना अभी, इससे भी छोटा रहता है, ठीक है। ऑल दी एक्शंस एंड प्रोसेसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक सेल्स,
जो भी एक्शंस है, जो भी प्रोसेस हम लोग के बॉडी के अंदर हो रहा है, जो भी फंक्शन हो रहा है, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन होता रहता है, कुछ फंक्शन होता है, कुछ प्रोसेस होता है। अब ये सारी चीजें कौन करता है? ये छोटा सा सेल, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब वेरी मच स्मॉल, बहुत छोटा, ठीक है। कौन काम करता है ये सब चीजें? सेल्स करता है। अब कैसे करता है, उसके अंदर क्या है वो हम देखते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब कुछ कुछ जो लिविंग थिंग्स है ना, कुछ कुछ, हाँ बहुत कम है वैसे, बहुत सारी चीज है, लेकिन कुछ कुछ, सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, कि कुछ कुछ लिविंग थिंग्स है जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना है, सिर्फ एक सेल से, ठीक है, सिर्फ एक सेल से बना है, मतलब ये डॉट बना दिया, हो गया, ये हो गया एक लिविंग थिंग, सिर्फ एक सिंगल सेल से बना है। अब जो चीज सिर्फ सिंगल सेल से बना है वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब वन, ठीक है, यूनि मतलब क्या हो गया? वन। सेल्युलर मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी लिविंग बीन है उसको हम लोग ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं, ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स में। तो जो चीज, जो लिविंग थिंग सिर्फ एक सेल से बना है, मतलब सिंगल सेल, सिंगल मतलब क्या हुआ? वन। तो वो लिविंग थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि इज फॉर वन, सेल्युलर मतलब सेल, एंड ऑर्गेनिज्म मतलब कॉमन टर्म फॉर लिविंग बींग्स और लिविंग थिंग्स इन साइंस, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अब कुछ कुछ लिविंग थिंग्स है जो एक से ज्यादा सेल से बनती है, जैसे कि हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया। अब जो हम लोग है, जो नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स है, वो एक सेल से नहीं बना है, मिलियंस ऑफ सेल से बना, मतलब बहुत सारा, ठीक है। सो द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मेनी मतलब बहुत, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत ज्यादा, और सेल्युलर मतलब सेल, और ऑर्गेनिज्म तो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दो ऑर्गेनिजम्स है, सबसे पहला यूनिसेल्युलर मतलब जो सिर्फ एक सेल से बना है, और सेकेंड कौन से है? मल्टी सेल्युलर, जो बहुत सारे सेल से बना है, जैसे कि हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, ठीक है। दो टाइप के और सेल्स है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाले और एक मल्टी सेल्युलर। यूनि मतलब वन, मल्टी मतलब बहुत सारे। सो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दी अमीबा, ठीक है, अमीबा यहाँ पे एक सेल का नाम है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का नाम है, यहाँ पे उसका डायग्राम दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है। अभी सेल जो है वो हर एक सेल का शेप अलग रहता है, ठीक है, कौन सा भी सेल जो है वो सेम नहीं रहता, मतलब एकदम अलग शेप रहता है, शेप का कुछ नाम ही नहीं है ऐसा, मतलब जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, वैसा नहीं है। सेल्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स में आते हैं। तो अभी यहाँ पे अमीबा करके एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल से बना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है। सो द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, ठीक है, और एक है पैरामोशियम जिसका नाम है, आप इसमें भी देख सकते हो सिर्फ एक ही सेल है, सिर्फ एक ही सेल है। अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा और बहुत सारी अलग अलग चीजें रहते हैं वो हर सेल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का फोटो यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा, फर्स्ट इज अमीबा एंड सेकेंड इज पैरामोशियम, ठीक है। ये दो वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं है, ये नाम है, ठीक है, ये क्या है? नाम है। ये जो वर्ड है अमीबा और पैरामोशियम, ये वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं है, ये सेल का नाम है जो यूनिसेल्युलर सेल है, क्योंकि ये सिर्फ एक सेल से बना है, ठीक है। और उसके अलावा ऑन दी अदर हैंड क्या बोल रहा है? मैन मतलब इंसान लोग, काओ, माउस, कॉकरोच और जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स है, वो सारी चीजें क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है, प्लांट्स जो है, या कौन सा भी जानवर ले लो, ए टू जेड जानवर, ए टू जेड ह्यूमन बींग्स, वो सारी चीजें क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो एक से ज्यादा सेल से बनी है, बल्कि लेकिन ये दो जो चीज है सिर्फ एक सेल से बना है, ओके। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ अ लिविंग थिंग, वेदर इट इज यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ठीक है। अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक है सेल का, वो सब ये लिविंग थिंग में देखा जाता है, भले वो एक हो या दो हो, ठीक है, एक सेल हो या एक से ज्यादा सेल हो, कैरेक्टरिस्टिक सब में देखने मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब उसका खुद का प्रॉपर्टीज, जैसे वो बिहेव करता है, उसका काम क्या है, उसका शेप क्या है, वो कैसे खाना खाता है, ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्योंकि सेल को भी एनर्जी चाहिए, अगर सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो
सेल्युलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, ये और एक कैरेक्टरिस्टिक है ये चैप्टर में, दैट इज सेल्युलर स्ट्रक्चर। मतलब सेल का स्ट्रक्चर क्या है, वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, कौन से सेल को कौन सा खाना, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, कौन सा सेल हम लोग के बॉडी को एनर्जी देता है, कौन सा सेल हम लोग के बॉडी से वायरस लोग को भगाता है, ये सब सारी चीज़ें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये सब जो है इमेजेस में, ये सब अलग अलग टाइप के लिविंग थिंग्स है। यहाँ पे ट्री है, ये लिविंग थिंग है, ये स्नेल लिविंग थिंग है, ये ऑनियन का एक प्लांट है, लिविंग थिंग है, एंड एलिफेंट लिविंग थिंग है, पिजन लिविंग थिंग है, कॉकरोच, सब के सारे लिविंग थिंग्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट, क्या बोला है, यूजफुल लिविंग थिंग्स। यूजफुल मतलब जो यूज आती है हम लोग को लाइफ में, जो लाइफ में हम लोग को काम आती है, ठीक है। जैसे कि ये पेन क्या यूजफुल है, क्या काम करता है, ये लिख सकते हैं हम लोग इससे, ठीक है, जो भी मैं बोलूंगा हम लोग लिख सकते हैं, तो ये यूजफुल है हम लोग को, ठीक है। अभी जो लिविंग थिंग्स जो हम लोग को यूजफुल है, जैसे कि नाउ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस। जो प्लांट्स है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स है। अब कुछ प्लांट्स हाउसहोल्ड मतलब घर के काम में काम आता है, और कुछ इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज हो गया, कंपनीज हो गया, उधर काम आता है, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल फेन्यूग्रीक मतलब कौन सा, ये मेथी का भाजी, ये जो मेथी का भाजी है जो सबके घर पे बनता है, ठीक है। अब ये जो भाजी है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फेन्यूग्रीक, ठीक है। ये एक वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग क्या, ये मेथी का भाजी है, कौन सा, मेथी का भाजी, इसको इंग्लिश में हम लोग फेन्यूग्रीक बोलते हैं। पटेटो मतलब आलू हो गया, ओकरा मतलब भिंडी हो गया, एप्पल, बनाना, ये सब फ्रूट्स है। अब ये सारी चीजें क्या है, यूजफुल है कि नहीं, क्यों यूजफुल है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ये सारी चीजें को खाता है, ये हम लोग के लिए फूड है, ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें क्या है, यूजफुल। सो यहाँ पे वही बोला है कि फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी भाजी है, जितने भी फ्रूट्स है, आर यूज एज फूड। अब ये तो सबको पता है, ये कॉमन सेंस है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है एप्पल, बनाना, पटेटो, मेथी, भिंडी, ये सब क्या है, फूड आइटम्स है, खाने की चीज है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। वाइल वसाका मतलब अदुलसा, हिराड़ा, बिहाड़ा, एस्परेगस आर यूज्ड एज मेडिसिंस। ये सारी चीजें प्लांट्स का नाम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, बिहाड़ा, हिराड़ा, वसाका, एस्परेगस। अब ये जो सारी प्लांट्स है खाना नहीं है, अब खाना नहीं है, लेकिन इसका दूसरा यूज क्या है, ये मेडिसिंस बनाने के काम आता है। क्या बनाने के, मेडिसिंस, मोस्टली आयुर्वेदिक मेडिसिंस, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स है उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी सारे के सारे आयुर्वेदा में आता है, ठीक है। तो कुछ कुछ प्लांट्स मेडिसिंस में मदद करता है, कुछ कुछ फूड है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में काम आता है, एटसेट्रा। अब और एक यूजफुल क्या है कि एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, ठीक है। जो जानवर है वो भी हम लोग को यूजफुल है, वो भी हम लोग के काम आती है, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस। डोमेस्टिक मतलब घर के काम के, जैसे कि डॉग, पेट, डॉग और कैट मोस्टली पेट के लिए यूज किया जाता है। काउस को हम लोग को मिल्क मिलता है काउ से, बफेलोज को भी मोस्टली फार्मिंग में यूज हुआ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिश, शीप, फाउल आर ऑल्सो यूज एज फूड। ऑब्वियसली जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज खाना खाते हैं, वो फिश हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारी चीजें भी क्या है, खाना, ठीक है। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स है, हॉर्सेस मतलब जो अलग, जिसको हम लोग खा नहीं सकते, घोड़ा हो गया, ऑक्सन हो गया, कैमल मतलब ऊंट, प्रूव यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशंस, ठीक है। जैसे कि हॉर्स जो है, हॉर्स को भी कुछ कुछ इंसान अपने शौक के लिए पालते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, फिर कैमल भी है जो डेजर्ट में बहुत काम आता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए। फिर जो अर्थवर्म है, कीड़ा, सबको पता है अर्थवर्म क्या होता है, बारिश के मौसम में अभी बाहर जाके आप देख सकते हो, ये एग्रीकल्चर के काम में आता है, क्योंकि ये जो अनवांटेड जो भी इंसेक्ट्स है इसको खा लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिविंग थिंग्स है, और ये हम लोग को काम में आता है, इसलिए क्या है, ये यूजफुल लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब इसके अलावा, अब जो अच्छा रहता है तो उसके लिए बुरा भी रहता है, तो हार्मफुल लिविंग थिंग्स मतलब जो हार्म करता है हम लोग को, जो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। अब सबको पता है चूहा, जो रैट, जो माउस है, वो अच्छा नहीं हम लोग को, घर के अंदर घुस जाता है तो पूरा
घर में जितने भी खाने का सामान है सबको खा जाता है, सब बर्बाद कर देता है। अब हम लोग वो खाने को खा भी नहीं सकते क्योंकि रैट जो है पॉइजनस रहता है मोस्टली, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी वायरस रहते हैं। अगर रैट ने आपको काट लिया तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है क्योंकि रैट के अंदर दो तीन टाइप के बहुत डेडली वायरसेस देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पाइडर, अब सबको पता है स्पाइडर कुछ कुछ अच्छे रहते हैं लेकिन कुछ कुछ पॉइजनस स्पाइडर भी रहते हैं, अगर उसने भी काट लिया तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सबसे डेंजरस स्कॉर्पियो, द मोस्ट पॉइजनस थिंग, ठीक है। अगर स्कॉर्पियो का एक डंग भी लग गया तो 10-15 मिनट बस है, आप उसके अंदर ही मर जाओगे। अब लिजर्ड, लड़कियाँ इससे ज़्यादा डरती है, जो चिपकली बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप इतने तो समझदार हो, सब कुछ पता ही रहेगा कि ये सारी जो एनिमल्स है ये सब हार्मफुल है, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ों को घर पर रखता नहीं। अगर ये सारी चीज़ें घर पर आ गए तो आप इसको भगा देते हो या मार देते हो। चूहा आता है तो चूहा पकड़ने के लिए आप पिंजरा डाल देते हो या ट्रैप लगा देते हो, ठीक है। स्पाइडर है तो मार देते हो। स्कॉर्पियन तो मोस्टली घर में आता नहीं है क्योंकि स्कॉर्पियो मोस्टली बीच या डेजर्ट साइड पे रहता है। लिजर्ड आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, बीमारी फैलाती है क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ तो वायरस रहता है या सब कुछ ना कुछ पॉइजनस है। तो अगर ये घर के अंदर घुस गया और खाना खा लिया सपोज, तो खाना तो झूठा हो गया और गलती से इसका कुछ भी चीज़ है सलाइवा या जो भी वायरस है खाने के अंदर चले गया, हमको पता नहीं, हम लोग ने खा लिया, तो हम लोग को भी वायरस हो जाएगा, हम लोग भी बीमार हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। नाउ इसके अलावा कुछ कुछ प्लांट्स भी हार्मफुल है हम लोग के लिए, कुछ कुछ प्लांट्स भी हम लोग के लिए हार्मफुल है। जैसे कि सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल एज फॉर एग्जाम्पल द डॉडर, पैरथीनियम एंड अदर वीड्स। क्यों पता है, क्योंकि कुछ कुछ प्लांट्स है ना पॉइजनस रहते हैं, कुछ कुछ के ऊपर एकदम का ये रहता है, क्या बोलते हैं, काटा टाइप रहता है जिसके ऊपर पॉइजन या कुछ अलग चीज़ रहता है वेनोमस टाइप। अगर आप उसको टच कर लोगे या काटा अगर आपके अंदर चले गया तो पॉइजन भी आपके अंदर चले जाएगा वो, इसलिए ये सब हार्मफुल है, ठीक है। जैसे कि पॉड्स ऑफ द नेटल, फिर कलोकेशिया लीव्स कॉज इचिंग। इचिंग क्यों होता है, क्योंकि ये जो लीव्स है, ये जो प्लांट है उसके ऊपर एक सब्सटेंस रहता है, केमिकल रहता है जिसके वजह से आपको खुजली होता है, ठीक है। अगर आपने उसको टच कर लिया और अगर वो बॉडी आपके बॉडी पार्ट के ऊपर स्प्रेड हो गया तो आपको खुजली होएगा, बहुत ज़्यादा खुजली होएगा, फिर रैशेस हो जाएंगे, रेड रेड एकदम पूरा बॉडी आपका रेड हो जाएगा जिधर भी ये उसका सब्सटेंस है ये प्लांट्स का उधर अगर चले गया तो, ठीक है। सो प्लांट्स लाइक ओलियंडर, लंटाना हैव स्ट्रॉन्ग ओडर्स। ओडर्स मतलब स्मेल, ठीक है। ओडर मतलब क्या होगा, स्मेल, जो आप जो नोज से जो स्मेल लेते हो, जो खुशबू रहते हो उसको क्या बोलते हैं, ओडर्स, ठीक है। फिर द दतूरा प्लांट, ये जो दतूरा प्लांट है मोस्टली सबने सुना रहेगा हिंदी में, जिसको हम लोग दतूरा प्लांट बोलते हैं। जो दतूरा प्लांट है वो पॉइजनस है, ठीक है, क्या है वो, पॉइजनस। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड एल्गे इन वाटर पल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर, भी सबको पता है अभी बारिश का मौसम है तो अगर आप किधर पानी के जगह पे जाओगे तो आपको ग्रीन कलर का एक लेयर दिखेगा उसके ऊपर, ठीक है, ग्रीन कलर का या येल्लोइश टाइप का। अब ये सब क्या है, फंगस और एल्गे है। अब ये टाइप का एक प्लांट ही है लेकिन ये क्या करता है मालूम है, पानी को पल्यूट कर देता है जिसके वजह से पानी गंदा हो जाता है और उसके से क्या बीमारी फैलती है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने दो चीज़ें पढ़ा, फर्स्ट होता है यूजफुल थिंग्स, मतलब जो लिविंग थिंग्स हम लोग के काम आता है, जैसे कि भाजी हो गया, फ्रूट्स हो गया, कुछ कुछ एनिमल्स हो गए डोमेस्टिक जो हम लोग के काम आता है, और सेकेंड हार्मफुल जो हम लोग को यूज़ नहीं है, जैसे कि रैट, स्कॉर्पियो, लिजर्ड, फिर ये जो दो प्लांट्स है दतूरा, कोलोकेशिया, ओलियंडर, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में अगर कुछ अच्छा है तो कुछ कुछ बुरे भी हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, से लास्ट पार्ट है चैप्टर का, दैट इज वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स मतलब क्या हो गया, टाइगर, लायन, चीता, ठीक है, लेपर्ड, अब ये सारी चीज़ें क्या है, वाइल्ड एनिमल्स। अब इसको वाइल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान अगर इसके सामने चले गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये लोग, ये जो जानवर है ये इंसानों को भी खा जाते हैं अगर इनको भूख लगा तो, ठीक है, और बहुत खतरनाक भी है, लोग डेंजरस भी है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। सो वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड, जो दूसरे एनिमल्स को खाता है और मोस्टली ह्यूमन बींग्स को भी खाता है, मोस्टली नहीं, ठीक है,
लेकिन ज़्यादातर तो अगर ये चले गया, अगर आप इंसानों के इस इंसानों अगर ये सही के सामने चले गया तो इंसान लोग को भी खा जाते हैं। अगर ये ट्रेंड है तो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर ये ट्रेंड नहीं है और ये लोग भूखे हैं 2-3 दिन से, तो अगर इंसान चले गया तो इंसान का सिर्फ हड्डी बचेगा, ठीक है। पर मोस्टली ये लोग दूसरे जानवर लोग को ही खाते हैं। सो वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को हंट करता है फॉर फूड, खाने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडेटर्स। अब ये जो वर्ड है बहुत आपने सुना रहेगा, प्रेडेटर्स का मतलब क्या है। सो ये जो प्रेडेटर जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? जो दूसरे ह्यूमन या लिविंग थिंग के ऊपर खाने के लिए जिंदा रहता है, ठीक है, जो हंट करता है, ठीक है, जो हंट करता है दूसरे, अगर इंसान तो नहीं करते मोस्टली, क्योंकि इंसान इंसान को नहीं खाता, ठीक है। कुछ कुछ एकदम बहुत रेयर केसेस है जो अर्थ के ऊपर ऐसा देखने मिलते हैं जो इंसान इंसान को खाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली तो नहीं होता। वो लोग को प्रेडेटर्स बोलते हैं, ठीक है, जो हंट करता है दूसरे लिविंग बींग को खाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? प्रेडेटर्स। हम लोग भी प्रेडेटर्स है, क्यों? क्योंकि हम लोग भी जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, हम लोग भी दूसरे एनिमल्स मोस्टली जो है, जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गया, गोट हो गया, ये सब क्या लिविंग बींग्स है। अभी हम लोग भी उनको पकड़ के खाते हैं, मतलब हम लोग उनको हंट करते हैं, तो वी आर ऑल्सो प्रेडेटर्स, ठीक है। तो ये प्रेडेटर का मीनिंग क्या है? जो लिविंग बींग दूसरे लिविंग बींग को हंट करके खा लेता है, ठीक है, हंट करना, आप सबको पता है हंटिंग का मतलब क्या है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेडेटर्स। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, वुल्फ, लेपर्ड, ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स। अगर उनको फॉरेस्ट नहीं है, मतलब अगर जंगल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी मोस्टली जंगल को ख़त्म किया जा रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए। अब एनिमल्स लोग जंगल में रहे, तब जंगल ही नहीं बचेगा तो लोग ऑब्वियसली किधर आ जाएंगे? सिटी में। अब सिटी में आ गया तो लोग किसको खाएंगे? एनिमल्स को भी खाएंगे और पीपल को भी खाएंगे, इंसान को भी खाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक थोड़ा एक्टिविटी दिया है कि वॉच टीवी चैनल्स सच एज नेशनल ज्योग्राफिक एंड डिस्कवरी। ये दो बहुत अच्छे चैनल है आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सब लाइफ लेसन्स के ऊपर, जितने भी जो भी जिंदगी में जो भी चलते आ रहा है अर्थ के ऊपर, यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, लिविंग बींग हो, नॉन लिविंग बींग हो, मशीन्स के ऊपर क्या चल रहा है ये दुनिया में, साइंस किधर जा रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ये दो चैनल्स में आपको देखने मिलेगा, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल, बहुत अच्छे चैनल्स है। तो आप जब भी टाइम मिलेगा तो आप ये दो चैनल्स देख सकते हो, आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, आपका जनरल नॉलेज अच्छा होगा, ठीक है, बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा आपको ये चैनल्स में से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक ऑलवेज रिमेंबर का एक बॉक्स दिया है, क्या बोला है कि मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर सेटिस्फाई आर नीड्स, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स है ये नेचर में जो हम लोग के जो नीड्स है, जो ज़रूरत है, हम लोग को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो द यूज़ ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर नीड्स। जो यूज़ है हम लोग के ज़रूरत के हिसाब से ही होना चाहिए, अननेसेसरी। सपोज एक प्लांट आपको दिख गया, अब हम लोग का कुछ भी यूज़ नहीं है तो उसको जाके खींचने का नहीं, मतलब उसका जो फ्लावर है, अगर अच्छा, अगर मैंने अरे अच्छा फ्लावर है और मैंने उसको तोड़ दिया, तो अगर वो टूट गया तो प्लांट जो है वो भी एक लिविंग बींग है ना, तो वो भी जिंदा रहता है। अगर आपने उसको एक बार तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या बोला है? वी शुड नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट अननेसेसरीली। अगर कुछ यूज नहीं है तो क्यों? क्योंकि वो प्लांट मर जाएगा। एंड एनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड अननेसेसरीली। अभी जो मोस्टली जो हंटिंग करते हैं, ठीक है, जंगल में जाके बहुत लोगों को हंटिंग का शौक है, वो लोग डियर को, फिर ये सब चीता, लेपर्ड को स्किन के लिए मार देते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है, पर उसका कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है, अननेसेसरीली फालतू में कौन से भी जानवर को मारना अच्छी बात नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल अस टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। सो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जा गया। तो आई होप ये जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी लिविंग बींग्स था, जितने भी अर्थ ये यूनिवर्स के ऊपर जितने भी जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं, सबके ऊपर ये टॉपिक कवर हो गया है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ गया रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझा रहेगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।